Subscribe now to receive new updates every day. भारती सिंह इंडियन टीवी इंडस्ट्री की पहली स्टैंड अप कॉमेडियन है। 2016 में फोर्ब्स ने टॉप 100 कॉमेडियंस की लिस्ट जारी की थी, जिसमें भारती को 98वीं रैंक हासिल मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज सबको हंसाने वाली भारती का एक दौर वह भी था जब वे बड़े हुए वजन की वजह से रात रात भर रोया करती थी। से खास बातचीत में भारती 33 ने अपनी लाइफ की कई रोचक बातें शेयर की। बकौल भारती, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूं और हम 3 भाई बहन हैं। मेरी मां ने 17 साल की उम्र में शादी की थी और आप यकीन नहीं करेंगे कि 23 साल की उम्र तक वे 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। मैंने अपने पापा को 2 साल की उम्र में ही खो दिया था, इसलिए उनसे जुड़ी कोई याद मेरे साथ नहीं है। माँ ने दोबारा शादी करने की बजाय हमारे लिए स्ट्रगल का रास्ता चुना। मेरा ज्यादातर बचपन गरीबी में बीता। बड़े भाई बहन के दिन रात हमारे लिए खाना और सुरक्षित छत जुटाने में बीतते थे। इनफैक्ट कभी कभी हमें आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता था। भारती कहती हैं, जन्म के समय मेरा वजन 5 किलो के आसपास था, जिसे असामान्य कहा जा सकता है। इसलिए मैं जन्म के पहले दिन से ही ओवरवेट थी। स्कूल के दिनों में मोटापे के कारण मुझे मोटी और हाथी का बच्चा जैसे शब्दों से चिढ़ाया जाता था। बड़े वजन की वजह से मैं रात रात भर रोया करती थी। कॉलेज के दिनों में जब मैं लड़कियों को जीन्स और टॉप पहने देखती थी तो ईर्ष्या होती थी। मुझे याद है कि मैं गार्डन में बैठकर उन लड़कियों को देखती थी और मोटापे के लिए भगवान को कोसती थी। हालांकि अब मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ, मेरा मोटापा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। भारती के मुताबिक, मैं पिस्टल शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, राइफल शूटर बनना चाहती थी। कॉलेज के दिनों में मैंने नेशनल और स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन में पंजाब को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन बाद में मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मैंने पिस्टल शूटिंग छोड़ दी क्योंकि फैमिली मेरी ट्रेनिंग का खर्च नहीं उठा सकती थी। इनफैक्ट मैंने तब वह दौर भी देखा जब मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे। हालांकि मैंने पंजाब के लिए कई मेडल जीते, जिनकी वजह से मेरी एजुकेशन फ्री हो गई। मैंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए किया है। भारती कहती हैं, मेरे पास पैसे की कमी थी, इसलिए मैंने एक टिंग लाइन को चुना। मेरी फैमिली बहुत ही आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। जब मैं करियर बनाने के लिए अमृतसर से मुंबई आई तो मेरे रिलेटिव संदेह करते थे। जब मैं स्टेज पर कॉमेडी करती तो वे मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वही लोग अपने बच्चों का मुंबई में करियर बनाने के लिए मुझसे सलाह लेते हैं। भारती कहती हैं, मैं अपनी सोसाइटी में ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं देख सकती। ज्यादातर लड़कियां मिस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक ट्रेस और मॉडल बनने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बनना चाहती। कोई यह नहीं समझना चाहती कि वे हमेशा अच्छी नहीं दिख सकती, लेकिन टैलेंट हमेशा साथ रहेगा। जब भी मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में लड़कियों को करियर बनाते देखूंगी, तब खुद को सक्सेसफुल महिला का दर्जा दूंगी। भारती की फैमिली की बात करें तो उनके भाई धीरज सिंह अमृतसर में जनरल स्टोर चलाते हैं, जबकि बड़ी बहन पिंकी राजपूत भी अमृतसर में ही सेटल हो चुकी हैं। बात भारती की करें तो वे द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की सेकंड रनर अप रही हैं। टीवी पर कृष्णा अभिषेक के साथ कॉमेडी नाइट्स बचाओ और कॉमेडी नाइट्स लाइव करने के बाद आजकल भारती द कपिल शर्मा शो में नजर आ रही हैं। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.